हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के यूनिट 3 के क्वेश्चंस, दैट इज मनी मार्केट चैप्टर का जो लास्ट यूनिट है मॉनेटरी पॉलिसी, उसके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक काम क्या है? सी, मॉनेटरी पॉलिसी पहली बात तो RBI बनाती है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, इंडिया की मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में दो पैसा होता है, एक अपना पैसा होता है इंडिया की मनी सप्लाई में, ओरिजिनल मनी जो RBI ने डाली है इकॉनमी में, जिसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, और एक होती है क्रेडिट मनी। कौन देता है क्रेडिट मनी? कमर्शियल बैंक्स, जो लोन देते हैं पब्लिक को। एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो कमर्शियल बैंक के पास चले जाओ, दे विल गिव यू लोन। सो RBI का बेसिकली फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कितना पैसा अवेलेबल है इकॉनमी में, किस कॉस्ट पे है, मतलब कॉस्ट ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट, और यूज़ मतलब RBI मेक श्योर करती है, कमर्शियल बैंक्स को गाइडलाइंस देती है किस सेक्टर के लिए लोन देना है। सिर्फ हाउसिंग के लिए नहीं देना, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं देना, सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं देना, सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं देना, अलग अलग पर्पसेज के लिए, क्योंकि पैसा जा किस सेक्टर में रहा है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मनी और क्रेडिट को ये जो रेगुलेट करते हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दो हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। एक तो है कंट्री की GDP ग्रो होनी चाहिए, और दूसरा हमारे प्राइजेस स्टेबल होने चाहिए। स्टेबल का मतलब बहुत ज़्यादा प्राइजेस में फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, प्राइजेस इनफैक्ट बढ़ने ही चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहे, बढ़ने चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके प्राइस राइज होना चाहिए, अप टू 5%। मतलब कि लोगों की सैलरी भी धीरे धीरे करके बढ़ती है ना, सैलरी तो 200% बढ़ती ही नहीं है, प्राइजेस डबल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर गुड्स मतलब पब्लिक जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद नहीं पाएगी। सो प्राइस स्टेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, व्हाट इज मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सो ये जो टर्म है ना, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, इसका मतलब ये होता है कि RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कहाँ तक जाना चाह रही है। ट्रांसमिशन मतलब वो कौन सा इकोनॉमी की कौन सी चीज़ को अफेक्ट करना चाह रही है, वो करना क्या चाहती है। देखो, वो करती तो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। वो किसको चेंज करती है? मनी सप्लाई को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइजेस को अफेक्ट करना। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, हाउ मनी गेट्स सर्कुलेटेड इन द डिफरेंट सेक्टर्स, सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स की बात, प्रोसेस और चैनल्स थ्रू विच द एवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स अफेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइजेस। अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने कुछ इंटरेस्ट को इस हिसाब से चेंज करना है कि मार्केट में गुड्स के प्रोडक्शन लेवल चेंज हो जाए, GDP चेंज हो जाए और गुड्स के प्राइजेस चेंज हो जाए। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है RBI की इंटेंशन है कि मनी सप्लाई को हमें कंट्रोल करना है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई को हमें कंट्रोल करना है, पब्लिक के पास पैसा कम करना है। कैसे करेगी RBI ये? शेयर मार्केट में पब्लिक को शेयर बेचेगी या खरीदेगी, हमें उनसे पैसा लेना है। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है कि हम इकोनॉमी में पैसा डाल नहीं रहे बल्कि हम इकोनॉमी से पैसा खींच रहे हैं। तो पैसा अगर हम लेंगे शेयर मार्केट से, इसका मतलब हम शेयर सेल करेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब पब्लिक से पैसा RBI अपने पास ले रही है, मनी सप्लाई को कम कर रही है। कह रहा है इट इंड्यूस्ड इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स। हुआ क्या, पब्लिक के पास पैसा था नहीं, पब्लिक बैंक के पास गई लोन लेने, लोन की डिमांड बढ़ गई, इंटरेस्ट के रेट्स बढ़ गए। कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बोरोइंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी? यस, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर द फर्म्स, फर्म्स जो लोन लेंगे बिजनेस करने के लिए, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द रियल कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स फॉर फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स बोथ। हाँ, दोनों के लिए, इंटरेस्ट रेट से फर्म्स के लिए नहीं बढ़ता, हाउस होल्ड्स के लिए भी बढ़ता है, फर्म्स के लिए भी बढ़ता है। सी में कह रहे हैं इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिक्रीज तो हो ही नहीं रही, इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। आंसर इज बी। ए और बी में क्या फर्क है? ए में कह रहे थे सिर्फ फर्म्स के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा, बी में कह रहे हाउस होल्ड्स सबके लिए बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट सबके लिए कॉमनली बढ़ता है, हाउस होल्ड्स के लिए भी और फर्म्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी में पैसा कम है, RBI की क्या इंटेंशन रहेगी? मनी सप्लाई को बूस्ट करना, लोगों के पास पैसा जाना चाहिए। RBI कमर्शियल बैंक्स को कहेगी लोन दो, RBI भी शेयर मार्केट में आके क्या करेगी, पैसा डालेगी, पैसा देगी, मतलब लोगों से शेयर खरीदेगी, लोगों को पैसा देगी। तो पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग डिफ्लेशन RBI क्या करेगी। एज आई कैन सी द ऑप्शन, CRR से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, तो पहले तो हमें CRR पता होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो।
कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कहती है कि जब आपके पास पब्लिक पैसा डिपॉजिट करने आती है ना, लाइक अगर आपके पास 100 रुपीज़ डिपॉजिट्स में आए हैं, आप प्लीज़ 100 का 100 लोन के फॉर्म में मत दो, कुछ परसेंटेज आप हमारे पास रख दो एज CRR, एज रिजर्व्स, एज सेफ्टी, एज सिक्योरिटी। सारा का सारा पैसा वापस इकोनॉमी में डालना नहीं है, पब्लिक जो आपको देती है हमने उसमें से थोड़ी सी लीकेज करनी है, हमें थोड़ा सा पैसा मनी सप्लाई में वापस नहीं डालना है। तो अब लेकिन अब तो आरबीआई क्या चाहती है डिफ्लेशन के टाइम कि मनी तो डालनी है, दो लोन, दो लोन ज़्यादा दो का मतलब CRR अब बढ़ाएगी नहीं, अब CRR कम करेगी। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कहेगी कम रिजर्व्स दो, तो CRR पक्का रिड्यूस होगा, जो मुझे ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, डी में भी, तो बी तो पक्का नहीं है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन CRR बढ़ेगा नहीं, CRR कम होगा ताकि बैंक्स के पास क्रेडिट बढ़ पाए, क्रेडिट बढ़ पाए मतलब बैंक्स लोन ज़्यादा दे पाए और मनी सप्लाई बढ़ जाए। ए ही सही लग रहा है, बट सी में देखते हैं। सी में कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना है क्रेडिट, लोन कम नहीं करना, लोन को बढ़ाना है। डी भी पढ़ लेते हैं, वैसे तो आंसर ही सही लग रहा है, बट डी भी कह रहे हैं आरबीआई CRR को रिड्यूस करेगी बट इंक्रीज करेगी SLR को, SLR को भी रिड्यूस करेगी। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो ये 100 रुपये है उसमें से कुछ तो हमने आरबीआई को रिजर्व के फॉर्म में दे दिया CRR, बाकी बचा कितना 95। आरबीआई कहती है आप सारा पैसा भी लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते, आपको कुछ पैसा अपने पास रखना है लिक्विडिटी फॉर्म में। वाई? क्योंकि कुछ कस्टमर्स आपसे पैसा वापस मांगने भी तो आएंगे, विड्रॉ करने, जो लोग डिपॉजिट करने आए हैं दे'ल कम फॉर विड्रॉल ऑल्सो। अब आप उन्हें ये थोड़ा ना कहोगे कि सॉरी आज हमारे पास पैसे नहीं है, हमने तो लोन के फॉर्म में किसी को दे रखे हैं, आप प्लीज़ बाद में आ जाना पैसे विड्रॉ करने। तो वी नीड टू कीप सम लिक्विड एसेट्स विद आवर सेल्फ ऑल्सो। अब अगर मुझे लोन ज़्यादा देना है तो मुझे लिक्विड एसेट्स मेरे पास कम रखने हैं ना, तो SLR भी RBI रिड्यूस करेगी, इसलिए आंसर डी भी नहीं है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन RBI रेट्स को रिड्यूस करती है, इंक्रीज नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहे गवर्नर ऑफ RBI इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, डिसाइड्स द पॉलिसी रेट एंड इम्प्लीमेंट्स द सेम। कह रहे RBI जब पॉलिसी रेट डिसाइड करती है, पॉलिसी रेट इज रेपो रेट, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछ के करती है, बिल्कुल भी नहीं। रेपो रेट RBI खुद डिसाइड करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, इसमें सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड कह रहे हैं CRR हैज टू बी मेंटेन्ड बाई द बैंक्स एज कैश विद RBI, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, मैंने अभी आपको बताया CRR हमें RBI के पास रखना होता है। SLR रिक्वायर्स होल्डिंग ऑफ सम एसेट्स बाई द बैंक इटसेल्फ, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। CRR होता है हमें RBI के पास कैश रखना है, SLR होता है हमें अपने पास कुछ लिक्विड एसेट्स रखने हैं। सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं व्हेन रेपो रेट इंक्रीज इट मींस बैंक कैन नाउ बोरो मनी फ्रॉम OMO। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है RBI और कमर्शियल बैंक है। जब RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो बदले में कमर्शियल बैंक इसको क्या देते हैं? इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेपो रेट। और ये कौन सा लोन है? शॉर्ट टर्म के लिए। कौन सा लोन है? शॉर्ट टर्म के लिए। जब कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, तो जो बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। इट हैज़ नो रिलेशन विद OMO, सो सी स्टेटमेंट डजंट मेक सेंस। आंसर इज बी ऑप्शन। 7th, RBI प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू दी कमर्शियल बैंक थ्रू रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स। फाइनेंशियल अकोमोडेशन मतलब वही पैसा चाहिए, पैसा मतलब फाइनेंशियल कॉम्बिनेशन मतलब पैसा एक्स्ट्रा है तो हमें दे दो, आपको चाहिए तो हमसे ले लो, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट लगते हैं। तो इसको हम बोलते क्या हैं? MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का पर्पस ही यही होता है, टू एडजस्ट द लिक्विडिटी विद द कमर्शियल बैंक, इसलिए इसको बोलते हैं LAF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं डैश इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसमें शॉर्ट टर्म में बोरोइंग और लेंडिंग होती है थ्रू सेल एंड परचेज इन दी डेट इंस्ट्रूमेंट्स। जब आप सेल और परचेज करते हो शॉर्ट टर्म के लिए, और डेट का मतलब लोन है, शेयर मार्केट नहीं है ये। कह रहे हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लेते हो तो कौन सा इंटरेस्ट रेट लगता है? मैंने अभी एक्सप्लेन करा था, शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक कौन सा इंटरेस्ट रेट पिक्चर में आता है? रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 9th, पॉलिसी रेट क्या होता है? आई थिंक पीछे एक वर्ड भी आया था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में, पॉलिसी रेट क्या होता है? इट इज़ दी रेपो रेट। पॉलिसी रेट रेपो रेट को बोलते हैं, बट LAF इट इज़ पार्ट ऑफ, रेपो रेट इज पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्वेश्चन पे भी आया था, सी नहीं आंसर इसका, क्वेश्चन का आंसर इज सॉरी डी नहीं है, आंसर इज सी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? RBI कमर्शियल बैंक्स। देखो जब RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट।
जब आरबीआई कमर्शियल, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देगा उल्टा, और आप इसको ऐसे, आरबीआई को कभी लोन की जरूरत थोड़ी ना है, आप इसको ऐसे समझो कि कमर्शियल बैंक जब अपने पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं सरप्लस, तो बदले में आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देते हैं, हम जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो पढ़ते हैं इस पे कौन किससे लोन ले रहा है, आरबीआई ले रहा है, पहली बात तो पक्का मैंने आपको बताया ना आरबीआई लोन लेता है। लेकिन वैसे ना हम ऐसे बोलते नहीं है, हम डेफिनेशन में ये बोलते हैं व्हेन कमर्शियल बैंक्स पार्क देयर एक्सेस रिजर्व्स विद आरबीआई। तो आंसर इसका ए होगा, व्हेन आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स नॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट क्या है, इस अग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ था गाइस आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट ने आरबीआई को एक इन्फ्लेशन रेट दिया था कि क्या आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इतनी ताकत है कि वो मार्केट के इन्फ्लेशन के रेट को कंट्रोल कर पाए। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही पढ़ा था, ऑब्वियसली मनी सप्लाई जब चेंज होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो रहा है या कम, तो गुड्स के प्राइसेस भी अफेक्ट होंगे। तो इन्फ्लेशन रेट आरबीआई ने गवर्नमेंट को एक मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट दिया है, टारगेट दिया है, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, डिफ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसमें रेपो रेट के बारे में कुछ नहीं है, इट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 12th, कैन एन ओपन मार्केट ऑपरेशन विच इन्वॉल्व बाइंग और सेलिंग ऑफ डैश फ्रॉम, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या बाय और सेल करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, आरबीआई एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड ऑन दिस फॉर गिविंग अ स्टैट्यूटरी बैकिंग। 27 जून 2016 को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी, द स्टेटमेंट इज ट्रू। बी में कह रहे हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी रेट डिसाइड करती है, रेपो रेट डिसाइड करती है, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसमें एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में ना 6 एक्सपर्ट्स होते हैं, 6 मेंबर्स, एंड वो लोग आपस में मेजॉरिटी वोटिंग दे के डिबेट वगैरह करके एक रेपो रेट डिसाइड किया जाता है, ताकि हम इन्फ्लेशन के टारगेट को मीट कर पाएँ। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी शैल डिटर्मिन द पॉलिसी रेट, कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, कि क्या आरबीआई की भी उसमें सहमति होनी चाहिए। नहीं, ये फॉल्स है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया, पॉलिसी रेट हम आरबीआई से नहीं पूछते, सॉरी पॉलिसी रेट हम, पॉलिसी रेट हम किससे पूछेंगे, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है, उसमें आरबीआई गवर्नर का रोल नहीं है, उसमें कमेटी में जो 6 एक्सपर्ट्स हैं वो लोग ही डिसाइड करेंगे। तो थर्ड फॉल्स है। फोर्थ में कह रहे हैं पैनल ऑफ बैंकर्स चोजन फॉर द पर्पस, कह रहे हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में पॉलिसी रेट कौन डिसाइड करते हैं, बैंकर्स, उसके जो 6 एक्सपर्ट मेंबर्स कमेटी होते हैं वही डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू थी, सेकंड भी ट्रू थी, सो आंसर इज बी। एंड यहाँ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। गाइज मैं ऑलरेडी चैप्टर 8 के यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, वैसे मैं चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 8 और 9 ये सारे चैप्टर्स की वीडियोस, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, आई अपलोड मोर क्वेश्चंस आल्सो। आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।